सुप्रभात मान्यवर, एक नए दिन की शुरुआत बुखारा में। तो ये है जी हमारा रूम। यहाँ पे राजेश जी सोए थे और यहाँ पे मैं। बहुत बढ़िया, हमको दरअसल अकोमोडेशन मिला है और इसके साथ में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। और देखूँ अंकल को लिया है, दिख नहीं रहे कहीं नीचे। कहाँ गए अंकल को रे? चाहे इसको बोलो दूध वाली। हाँ, ओके। डोब्रे उतरो, डोब्रे उतरो। मिल्क वाली चाहे पीछे को। वन वन टी विद मिल्क या कॉफी विद मिल्क? कॉफी विद मिल्क। ये जी अंकल को लेने ब्रेड रखे हुए हैं और ये कुछ है, और इधर खरबूजे, अंजीर, और ये वो जैम होता है, ये बेरीज का जैम। होटल अंकल को लिया। तो ये है जनाब जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, और अंकल बहुत ही मस्त आदमी है। मैं आपको सच बोलूँ, मतलब ऐसे इंसान बहुत कम पाए जाते हैं। तो फिलहाल आज का दिन शुरू करते हैं जी, और अभी हम जा रहे हैं फिर आगे की तरफ, घूमते हैं शहर का बाकी हिस्सा, देखते हैं आज आपको क्या दिखा पाते हैं। ये है जी रशियन गड्डी लाडा, इधर नाम है लाडा। हाँ, रशियन ब्रांड। हमारे भी होती थी इंडिया में इस तरह की, उसका नाम था एनी 118। इंडिया में बेस्टर ने बहुत टाइम निकाला। ये वाला जो एरिया है जिसमें अभी हम लोग चल रहे हैं, ये दरअसल इनका हिस्टोरिकल पूरी जगह है, और यहाँ पे किसी तरह का अलग कंस्ट्रक्शन करना अलाउड नहीं है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गलियाँ हैं वो ठीक वैसी ही हैं जैसी उस ज़माने में हुआ करती थी। इसके बाहर अगर आप जाते हैं, यानी कि जो सिटी है ये पुरानी, तो वहाँ पे आपको नया कंस्ट्रक्शन, जैसे कोई भी शहर एक नया शहर होता है वैसे ही सब कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अंदर आपको बिल्कुल वही पुराना हिसाब किताब मिलेगा। मतलब इतना पुराना कि हर चीज़, अब हम देख रहे हैं जो घर हैं आसपास के, उनमें जो ईंटें लगी हुई है वो भी सीमेंट से नहीं लगी हुई, मिट्टी की प्लास्टर। हाँ जी, ये देखिए ये मिट्टी का प्लास्टर है। ये हमारे भी करते हैं जी, जैसे हाँ तूड़ी डाल के उसमें गाद मिला के फिर उसमें ये डालते हैं, उससे क्या होती है पकड़ बनी रहती है, मिट्टी की पकड़ हो जाती है। तो इनमें देखिए जो ईंटें हैं, ईंटों में भी कोई सीमेंट नहीं बीच में यूज़ किया हुआ, ये भी ऐसे लग रहा कि कोई मिट्टी टाइप की है या पता नहीं क्या है, तो बिल्कुल एकदम अलग सा है। ये है जी फिर बुखारा की गलियाँ। इधर सर, तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी चार मीनार देखने के लिए। यहाँ पे आवाज गूंज रही है। इधर इधर जाने, इधर। अच्छा, हमारा जो साथी है वो दरअसल होता है इंटरनेट। कजाकिस्तान का टूर मैंने इस बार किया था बिना इंटरनेट का, मैंने इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया था, और मैं चाहता था कि देखूं। दरअसल मैं इंटरनेट ख़रीदने गया भी, लेकिन वो इतना महंगा था कि मैंने सोचा कि चलो यार बिना इंटरनेट के देखें ज़रा, तो कि बिना इंटरनेट के क्या हम घूम नहीं सकते। और मैंने वो टूर सक्सेसफुली किया था, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि समस्या होती है, इंटरनेट होना चाहिए आपके पास में। कई बार आप मुसीबत में फंस सकते हैं, किसी को कांटेक्ट करना है, या आपको कैब बुक करनी है, या कोई आपको लोकेशन ढूंढनी है, तो उसके लिए एक तरीका तो जो मैंने अपनाया था वो ये था कि मैं ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करूँ। तो मेरे पास में दो एप्लीकेशन थी, एक यहाँ की 2GIS जो कि सेंट्रल एशिया में या रशिया वगैरह में बहुत ज़्यादा चलती है, उसको आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें मैप जो है डाउनलोड हो जाते हैं उस सिटी के, और उसके बाद आप उसको ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। और एक है maps.me, तो वो भी ऑफलाइन काम करता है, तो उससे मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। प्रॉब्लम ये होती है कि एयरपोर्ट पे जो सिम कार्ड है वो लगभग तीन तीन चार चार गुना तक महंगे मिलते हैं,
आप सोचिए जिस दिन मैं उज़्बेकिस्तान आया, जो सिम मुझे वहाँ एयरपोर्ट पे 70,000 की मिल रही थी, मैंने दोबारा दूसरे टूर में वो 22,000 रुपये की खरीदी। 70,000 और 22,000 डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा है। दरअसल मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ यहाँ के उज़्बेकिस्तान सोम में। ये आ गए जी हम चार मीनार, और ये जो चार मीनार है ये बिल्कुल ऐसे लग रहा कि गांव के बिल्कुल बीच में है। देखते हैं, हेलो क्या क्या। अच्छा, इसका नाम है चार मीनार। चार मीनार का मतलब होता है कि चार मीनारे हैं इसमें, जो टावर्स हैं चार हैं, लेकिन उज़्बेक में इसको बोलते हैं चोर मीनार, चार को चोर मीनार। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दरअसल इसके पीछे कभी कोई मदरसा हुआ करता था, तो हिस्ट्री कहती है कि लोगों को पहले ये लगता था कि ये उस मदरसे का मेन गेट हुआ करता था, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो है उसका एक पार्ट था अलग से, यानी कि जो गेट हुआ होगा वो कहीं बाहर रहा होगा। तो यहाँ थोड़ा सा देखने में लगता भी है कि हाँ यहाँ पे एक वॉल सी है। खैर, ये वॉल तो शायद से बाद में बनाई गई है। आप देखेंगे ये वाली, मुझे लगता है ये वाली वॉल तो शायद बाद में बनाई गई है, लेकिन इसके पीछे जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पुराना है। इसका निर्माण हुआ था 1807 में, इसका निर्माण हुआ था मंगी डायनेस्टी के जब समय था। तो अब इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है बुखारा में, ठीक वैसे ही जैसे आपने पीछे भी देखी। इनफैक्ट बुखारा में तो जो पूरी सिटी है उसको ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। उस साइट के अंदर में किसी तरह का अलग से कंस्ट्रक्शन मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है, जैसा वो है वैसे ही रखा हुआ है। घर के अंदर लोगों ने अलग अलग तरह के अब गेस्ट हाउसेज होम स्टेज बनाए हुए हैं, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है, लोगों के इनकम का साधन है। आज की डेट में जो बुखारा है, अगर आप कल्चर देखना चाहते हैं उज़्बेक कल्चर, रियल उज़्बेक कल्चर कि कैसा रहा होगा उज़्बेकिस्तान या जो गांव के लोग हैं वो कैसे रहते हैं, वो आपको बुखारा में मिलेगा। समरकंद और जो ताशकंद है वो काफ़ी मॉडर्न शहर है, वहाँ पे आपको जो एक जैसी एक मॉडर्न सिटी होती है वैसा सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन बुखारा में ये उसको उल्टा हो जाता है। तो अगर आप समरकंद या ताशकंद आते हैं तो एक चक्कर आपका जो है बुखारा का बनता है, आप ज़रूर आइएगा। ज़्यादा समय नहीं लगता है, हम लोग ताशकंद से शाम को बैठे थे, लगभग 11:15 हमारी ट्रेन थी और सुबह हम लोग 7 यहाँ पे पहुँच गए थे। 2 यहाँ पे आप घूम सकते हैं और इसके बाद फिर आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आइए अंदर से दिखाता हूँ ज़रा यहाँ पे क्या है। दरअसल यहाँ पे क्या है, अंदर एक जितना बड़ा कमरा होता है, लगभग 12x10 का के आसपास का, उतना बड़ा है ये अंदर से, ठीक है सिर्फ। और उसके अंदर में वो सामान रखा हुआ है बेचने का, वही सब मैग्नेट्स वगैरह, कपड़े वगैरह, सब जो ट्रेडिशनल सामान है। यहाँ पे आपको मैं कुछ गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ। हाँ, देखिए अपनी गाड़ी। उज़्बेकिस्तान एक ऐसा देश देखा मैंने जहाँ पे एक ही ब्रांड की ज़्यादातर गाड़ियाँ हैं। अगर आप रोड पे खड़े हो जाएंगे तो आपको शेरोले की गाड़ियाँ ही नज़र आएंगी हर जगह पे, और ये सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर सिटी की बात नहीं है, पूरे उज़्बेकिस्तान में। ये बात मैंने नोटिस की थी समरकंद में, और ताशकंद में देखा तो, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, भरा पड़ा है पूरा शेरोले की गाड़ियों से।
और बुखारा में अब मुझे देखने को मिल रहा है एक ऐसा ब्रांड जो इंडिया में सर्वाइव ही नहीं कर पाया और बेचारे को अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके जाना पड़ा। वो उज़्बेकिस्तान जैसे देश में खूब धड़ल्ले से बिजनेस कर रहा है। ये है जी कस्टमर फीडबैक। कस्टमर को कब क्या पसंद आ जाए कोई नहीं कह सकता। तो फिलहाल अब यहाँ पे आपको शेरोले ही शेरोले मिलेगा। ये एक अलग सी बात थी जो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। ये था जी पुराना बुखारा। इस तरह से यहाँ पे घर हुआ करते थे। आप देखिएगा इधर सर लकड़ी है अंदर इस्तेमाल की गई है और इसके बीच में गारा भरा हुआ है और प्लास्टर की जगह भी इसमें गारे का इस्तेमाल हुआ है। दरअसल ये मिट्टी के साथ में तुड़ी मिलाई गई है और उससे इसको स्मूथ किया गया है। इसका जो फ़ायदा था इन लोगों के लिए वो ये था, एक तो ये इकोनॉमिकल होता था यानी कि ज़्यादा महंगा नहीं है, मिट्टी फ्री की है, तुड़ी फ्री की है तो इसका ये इस्तेमाल करते थे। एक तो हो गया इसका ये फ़ायदा। दूसरा होता था ये टेम्परेचर जो है इसमें, क्योंकि आप जानते हैं उज़्बेकिस्तान जो है काफ़ी गर्म रहता है गर्मियों में और सर्दियों में काफ़ी ठंडा रहता है, तो मिट्टी की जो दीवारें होती हैं वो कभी भी वो इंसुलेशन का काम करती है। दरअसल यानी कि जो टेम्परेचर है बाहर के टेम्परेचर को अंदर और अंदर के टेम्परेचर को बाहर नहीं आने देती है। मेड इन कजान खदान में एता म्यासा इतना म्यासा मार्कोफ अदेलना हां ओके रेस अदेलना हां इधर इतना दीतिस के कोफ दीतिस के बिज म्यासा मुश बिज म्यासा मुश बि अटक म्यासा यस 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 म्यासा сверху ना 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 сверху इतना म्यासा я не мешаю не без мяса да да без мяса без мяса куда без без мяса есть капуста овощной овощной айва капуста без мяса ну я говорю дед дим ламета не шути дим ламай пани бертан докни без мяса кушать да поем картошка капуста ничего ты анте если будет картошка картошка капуста морковь это рис только рис. Если хочешь рис там плов флаф флаф без мяса плов? Без мяса хорошо. А еще этот вот такой есть все на пару айва сап морковь картошка капуста это отдельно рис верь рис отдельно тем на 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 это та, это мя без мяса без мяса салат нет. Салат Нет, нет. Салат не будешь? Нет. Пойдем все. Вперед. No, we want pulao, but with без мяса. So that's a problem. We don't eat. दरअसल ये मुझे कन्विंस कर रहे हैं पुलाव चखने के लिए, लेकिन इनका जो पुलाव है वो है मांस के साथ में, तो मैंने इनको बोला कि मैं मांस नहीं खाता, तो हमें चाहिए होता है बिना मांस का। तो समस्या ये है कि वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं इसमें से हटा के देता हूँ। मैंने बोला कि हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोग नहीं खाते हैं, तो अब हमारे साथ जो है इनकी बात बनेगी नहीं। नीयत नीयत एतम एतम म्यासा इन लोगों को थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है। इन लोगों को ये लगता है कि यार ये कैसे इंसान आ गए। अब ये कह रहे हैं कि पुलाव से मैं थोड़ा सा इसको मांस को अलग कर देता हूँ और आपको पुलाव दे देता हूँ। दरअसल इनकी भी गलती नहीं है, ये इस कंसेप्ट को समझते नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं। इंडिया इंडिया
इंडियन को देख देख के ही हम लोगों को पहचान लेते हैं। वो पीछे गाड़ी वाला चिल्लाया इंडिया। इस शहर में आपको जगह जगह पे ऐसे साइट्स मिलेंगी जहाँ पे खुदाई चल रही है। यहाँ पे भी एक साइट है, इसको कवर किया गया है लेकिन यहाँ से थोड़ा सा दिखता है। इस शहर में जो पुरानी संस्कृति है या पुरानी सभ्यताएं यहाँ रही होंगी वो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे जो है दुनिया के सामने आ रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा आप, यहाँ पे दुखा ये पूरी खुदाई चल रही है इसमें। अब आप देखेंगे ध्यान से कि इसमें कुछ ना कुछ ये रहा होगा, या तो कोई महल का ये हिस्सा रहा होगा या कोई ना कोई ऐसा ख़ास चीज़ थी कि इसको ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है और इतने 100 सालों बाद भी आज ये हमारे सामने है। आज भी यहाँ पे खुदाई में कुछ ना कुछ मिल रहा है। हम देख रहे हैं पूरे शहर में खुदाई चल रही है। मैंने आज तक इतनी खुदाई किसी शहर में नहीं देखी कि जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल वाले खुदाई कर रहे हो। यहाँ पे हर जगह पे आप देखेंगे थोड़ी दूर जाके कुछ ना कुछ कवर किया हुआ है, इसका मतलब उसके अंदर खुदाई चल रही है। तो ये बड़ी एक हैरानी की बात है। तो मैं आप सोच सकते हैं कि उस समय जो शहर है कितना फेमस कितना बड़ा रहा होगा, इससे इस बात से साफ पता चलता है। और इन्होंने खास करके जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीच का हिस्सा है जो मेन सिटी है उसको छेड़ा नहीं है बिल्कुल भी। जो भी हो रहा है नई जो शहर बस रहा है बिल्कुल एकदम शहर के बाहर है, लेकिन यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं है, वही सब पुराना कंस्ट्रक्शन दिख रहा है हम लोगों को। इवन मिट्टी की दीवारें वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दरवाज़ा देखिए, बुखारा अपने आप में सच में एक बड़ा ही खूबसूरत शहर है, एकदम साफ सुथरा जैसे कि बाहर के शहर होते ही हैं। मैंने दरअसल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बुखारा बड़ा शहर होगा, मुझे लगा था बुखारा ज़्यादा बड़ा शहर नहीं होगा। हालांकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है काफ़ी कम है, यहाँ पे लगभग 2.5 लाख लोग रहते हैं, तो ज़्यादा बड़ा शहर पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है, लेकिन जो अगर आप एरिया देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है।